कोलकाता के 99 अभियान को लेकर रानीगंज स्टेशन क्षेत्र में हंगामा देखा गया। मंगलवार की सुबह कोलफील्ड एक्सप्रेस पकड़ने के लिए भाजपा के कई कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे और पुलिस ने उनका पीछा किया। आज सुबह से ही पुलिस की एक बड़ी टीम ने रानीगंज स्टेशन परिसर को घेर लिया। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से पूछताछ की गई कि वे कहाँ जा रहे हैं। और इसी बीच भाजपा की रैली आई तो रानीगंज थाने के भारी पुलिस बल ने जुलूस को हटाया। इस घटना में कई भाजपा कार्यकर्ता और समर्थकों को गिरफ्तार किया गया था। एसीपी सेंट्रल सुमन बनर्जी के साथ रानीगंज थाने के ICOC और विभिन्न चौकियों के प्रभारियों को इस दिन 99 अभियान में जा रहे भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को रोकते देखा गया। इस औचक रैली के अचानक तितर बितर होने से भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों का मनोबल टूट गया। नेतृत्व का दावा है कि उनके आंदोलन को गलत तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है। टीएमसी दौलतदास पुलिस আমাদিকে এখান থেকে বলছে যেতে দেবে না। আমরা ঝান্ডা ছাড়ো না, ঝান্ডা তো আছেই আমাদের কাছে, ঝান্ডা ঝান্ডা ব্যানার নিয়ে আমরা যাবই। আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে আমরা 99 যাবই, তো যাব, কোনো মতেই আমরা আটকাবো না। এখান থেকে যেতে আসুক, সময় আসুক, আমরা ঠিক স্টেশনের ভিতরে ঢুকব। বলছি তো পুলিশ নয় তো বর্দিধারী টিএমসির গুন্ডা, এখন যারা হয়েছে তারা টিএমসি গুন্ডামি করছে, ওইরা পুলিশ নয়। পুলিশ যদি থাকতো নিজের টাকার ভাগ নেবে, পাবলিক বলছে, আমি বলিনি, পাবলিক বলছে সব টাকার ভাগ নেবে, ভাগের জন্য আছে মানুষের যে প্রতিবাদ, সে প্রতিবাদ করতে দেবে না। তার প্রতিবাদ আমরা এই এই যাবই, লাবণ্য যাব। বিজেপি বিজেপি জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ।